हेलो स्टूडेंट्स आज हम एट स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 5.4 देखेंगे 5.4 देखने से पहले एक फार्मूला आपको पता होना ज़रूरी है ठीक है तो फार्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस टॉइस बी सी प्लस टॉइस ए सी ओके याद आप कैसे रखोगे देखो स्क्वायर है यहाँ पर ठीक है फॉर्मूला में तो हर एक टर्म का सेपरेट पहले स्क्वायर लेंगे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाद में प्लस टू ए बी बाद में बी सी एंड फर्स्ट एंड थर्ड ए सी इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है अभी क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर वन एक्सपांड ठीक है तो उसमें से एग्जांपल नंबर वन है टू पी प्लस क्यू प्लस फाइव ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म मतलब समझने के लिए इसके ऊपर हम ए लिखेंगे इसके ऊपर बी लिखेंगे एंड फाइव के ऊपर हम सी लिखेंगे सिर्फ समझने के लिए ठीक है पेंसिल से आप लिखोगे तो भी चलेगा तो फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर ए यहाँ पे कौन है टू पी इसका मतलब टू पी प्लस बी स्क्वायर बी यहाँ पे कौन है Q तो यहाँ पे Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे C मतलब फाइव है तो C स्क्वायर मतलब फाइव स्क्वायर ठीक है इसके आगे अभी प्लस टू ए बी यहाँ पर ए कौन है टू पी तो यहाँ पे आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन दोगे तो भी चलेगा या फिर डायरेक्ट आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ठीक है समझने के लिए हम डायरेक्ट ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे टू इंटू टू पी ठीक है यहाँ पे ए मतलब टू पी है एंड बी मतलब क्यू ठीक है आगे वाले में नीचे लिखूँगी प्लस टू बी सी टू लिखेंगे बी यहाँ पे क्यू है एंड सी यहाँ पे फाइव इसके बाद प्लस टू ए सी ए सी मतलब यहाँ पे टू पी एंड सी मतलब फाइव ठीक है टू एज इट इज लिखेंगे ए मतलब टू पी एंड सी मतलब फाइव के यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का यूज़ करना है अभी देखो हर एक टर्म को अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे टू स्क्वायर टू का स्क्वायर मतलब टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना आएगा फोर बाद में पी स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर मतलब फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस ठीक है टू मल्टीप्लाई बाय टू नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बचे हुए टर्म को एज इट इज लिखेंगे टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर एंड पी मल्टीप्लाई बाई क्यू पी क्यू प्लस यहाँ पे देखो टू है यहाँ पे फाइव है टू फाइव जा टेन एंड क्यू एज इट इज प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी एंड पी एज इट इज़ ठीक है तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है फर्स्ट टर्म को एक लिखेंगे इसके ऊपर बी समझने के लिए सिर्फ एंड थ्री आर मतलब यहाँ पे सी ठीक है अभी फॉर्मूला ए स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए कौन है एम है तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बी स्क्वायर यहाँ पे बी कौन है टू एन ठीक है तो यहाँ पे टू एन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी मतलब थ्री आर है यहाँ पे तो थ्री आर प्लस टू ए बी तो टू एज इट इज़ लिखेंगे ए यहाँ पे एम है तो यहाँ पे मैंने एम लिखा एंड बी यहाँ पे टू एन ठीक है प्लस टू बी सी यहाँ पर बी टू एन है तो यहाँ पे टू एन एंड सी थ्री आर ओके प्लस अभी इसके नीचे लिखूँगे मैं टू ए सी ए यहाँ पर है एम एंड सी है थ्री आर ओके अभी सिर्फ इसको हमें सिम्प्लीफाई करना है इक्वल टू के नीचे इक्वल टू एज इट इज़ लिखेंगे एम स्क्वायेर डायरेक्ट एम स्क्वायेर लिखना है प्लस देखो टू एन ब्रैकेट स्क्वायर मतलब टू का सेपरेट स्क्वायर एंड एन का सेपरेट स्क्वायर अभी टू का स्क्वायर टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर ठीक है तो फोर एन स्क्वायर प्लस एज इट इज नेक्स्ट थ्री स्क्वायर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री नाइन ठीक है तो नाइन एंड आर स्क्वायर एज इट इज प्लस अभी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर एंड एम एन ठीक है बचे हुए एज इट इज एम एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेल्व एंड यहां पे एन आर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्स एंड एम मल्टीप्लाई बाय आर एम आर ठीक है तो ये होगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव पी ठीक है तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू थ्री एक्स बी इज इक्वल टू फोर वाई सी इज इक्वल टू माइनस फाइव पी ठीक है माइनस को आपको साथ में लेना है अभी देखो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस ए सी ठीक है ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब थ्री एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी सी लिखते समय ध्यान से क्योंकि सी यहाँ पे माइनस दिया गया है तो यहाँ पे हमें लिखना है माइनस फाइव पी ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है प्लस ट्वाइस ए बी ठीक है तो ट्वाइस ए यहाँ पे है थ्री एक्स एंड बी यहाँ पे है फोर वाई ठीक है तो इसको अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो फिर भी चलेगा नो प्रॉब्लम ठीक है प्लस ट्वाइस बी सी टू बी यहाँ पे है फोर वाई एंड सी यहाँ पे है माइनस फाइव पी तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस फाइव पी प्लस टू ए सी ए यहाँ पे है थ्री एक्स एंड सी यहाँ पे है माइनस फाइव पी ठीक है अभी सिर्फ इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे थ्री स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस फोर स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई बाय फोर कितना आता है सिक्सटीन सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर क्या आता है ट्वेंटी फाइव देखो माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड मल्टीप्लीकेशन में अगर दो नंबर को माइनस का साइन होता है तो वो प्लस बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे प्लस ट्वेंटी फाइव एंड सेम माइनस पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर नेक्स्ट देखो टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एंड एक्स वाई एज इट इज नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस है प्लस एंड माइनस अगर ये दो मल्टीप्लीकेशन में साइन होते हैं तब माइनस आता है ठीक है देखो टू इंटू फोर एट एट फाइव फोर्टी एंड फाइव को माइनस साइन था इसको प्लस था तो माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा अभी वाई इंटू पी वाई पी यहाँ पे भी देखो टू थ्री एंड माइनस फाइव ठीक है तो माइनस एंड प्लस अगर साइन होता है तो माइनस आ जाता है टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स फाइजा थर्टी एक्स पी एज इट इज ठीक है तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखो यहां पे a मतलब कौन है सेवन एम बी मतलब माइनस थ्री एन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे ऐसे डायरेक्ट लिखो हियर ए इक्वल टू सेवन एम बी इक्वल टू माइनस थ्री एन एंड सी इक्वल टू माइनस फोर के ठीक है ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा तो यहाँ पे और एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे सेवन एम माइनस थ्री एन माइनस फोर के ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू देखो फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब सेवन एम स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने लिखा है प्लस बी स्क्वायर बी यहाँ पे है माइनस थ्री एन स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर, प्लस टाइस ए बी ए यहाँ पे है सेवन एम एंड बी यहाँ पे है माइनस थ्री एन ठीक है प्लस टॉइस बी सी तो b यहाँ पे है माइनस थ्री एन एंड सी यहाँ पे है माइनस फोर के प्लस टॉइस ए सी ए यहाँ पे है सेवन एम एंड सी यहाँ पे माइनस फोर के ठीक है अभी सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेवन स्क्वायर कितना होता है सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन फोर्टी नाइन एम स्क्वायेर एज इट इज प्लस माइनस थ्री स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में ठीक है तो थ्री का स्क्वायर नाइन एंड एन स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन आएगा के स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे प्लस है प्लस टू यहाँ पे माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा टू इंटू सेवन फोर्टीन फोर्टीन थ्री जार फोर्टी टू एम इंटू एन प्लस यहाँ पे देखो माइनस 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 थ्री माइनस फोर प्लस ही होने वाला था ठीक है तो यहाँ पे प्लस साइन हमने दे दिया है ऑलरेडी अभी टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स फोर हजार ट्वेंटी फोर एन के एज इट इज अभी यहाँ पे प्लस टू प्लस सेवन माइनस फोर ठीक है प्लस एन माइनस होता है तो माइनस हमेशा आंसर आता है तो टू इंटू फोर एट हो गया एंड एट इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स एंड एम के एज इट इज ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो थैंक यू